नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पुलिस स्टेशन की वर्किंग के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल देखो, लिखा गया है फॉर्मर आईएएस ऑफिसर के द्वारा, जिनका नाम है रश्मि शर्मा। ये कहती हैं कि पुलिस स्टेशन में पर्सनल की कमी रहती है, फंड्स की कमी रहती है और मोटिवेशन की कमी रहती है, तो इस वजह से लैंड ऑर्डर को अच्छे से इन्फोर्स नहीं किया जाता। राइटर कहती हैं लॉलेसनेस देखो दो तरीके से आती है। इन्होंने एक पुलिस स्टेशन की स्टडी की, उस स्टडी में पता लगा उस पुलिस स्टेशन में वैसे 22 पोस्ट थी, लेकिन 22 में से 6 पोस्ट खाली थी। उस पुलिस स्टेशन के हेड थे सब इंस्पेक्टर। उस पुलिस स्टेशन का काम था ऑलमोस्ट 83 यानी 83 विलेजेस को सर्व करना 2680 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए। तो सोच के देखिए, 22 पोस्ट हैं, 6 खाली, 16 पुलिस वाले इतने बड़े एरिया को कैसे सर्व कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा, ज़्यादातर टाइम वीआईपी ड्यूटी करने को कहा जाता था पुलिस पर्सनल को, ट्रांसफ़र अक्सर होती रहती है। जिस पुलिस स्टेशन की स्टडी की गई फॉर्मर आईएएस ऑफिसर के द्वारा, उस स्टडी में पता लगा कि हर महीने कम से कम एक ट्रांसफ़र जरूर होती है। इवन पोस्टिंग्स भी पैट्रोनेस के आधार पर थी। लोकल पोलिटिकल लीडर्स जिनका वर्चस्व है वो अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र करवा लेते थे पुलिस वालों की, और अगर उन्हें कोई पुलिस वाला अच्छा नहीं लगता तो उसकी ट्रांसफ़र किसी दूसरे इलाके में करवा दी जाती थी। ये अक्सर ऐसा होता है, पोस्टिंग पॉलिटिकल पैट्रोनेस के आधार पर होती हैं। थाने में हमेशा पैसों की कमी रहती है, काफ़ी बार तो पुलिस वाले अपनी जेब से स्टेशनरी या फिर दूसरी चीज़ों को खरीदते हैं। इससे भी ज़्यादा राइटर ने अपनी स्टडी में पाया कि पुलिस पर्सनल अपनी जॉब से बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे। वैसे एक साल में 16 लीव मिल सकती हैं पुलिस वालों को, लेकिन वो एक्चुअल में सैंक्शन नहीं होती थी। उन्हें कई बार तो दिन में 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था। फैमिलीज पुलिस की ड्यूटी में नेगलेक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्टेबल्स को काफ़ी बार पुलिस स्टेशन से दूर सिटीज़ में रहना पड़ता है, इससे खर्च भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, आने जाने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। पुलिस वालों को ये भी लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, उनको बहुत ही कम पे किया जाता है। इसके अलावा देखो, काफ़ी बार क्या होता है, वर्किंग इन्वायरमेंट जो है काफ़ी डीमोटिवेटिंग है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो टारगेट्स दे देते हैं पुलिस स्टेशन को कि आपके पुलिस स्टेशन को इतने चालान काटने हैं या फिर इतनी बोतल शराब की पकड़नी है। अब बहुत बार देखो एरिया ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए किसी एरिया में व्हीकल्स ही ज़्यादा नहीं हैं, तो टारगेट को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, और टारगेट हर साल इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, धक्के से चालान काटना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता है सारी चीज़ें सही हैं, फिर भी वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से चालान काट देते हैं, पुलिस का नाम और ज़्यादा खराब होता है। यानी वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं होती। जब उनसे यानी पुलिस वालों से पूछा गया ला की इन्फोर्समेंट के बारे में, तो उनको ला की इन्फोर्समेंट के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी। जब वायलेंस अगेंस्ट वुमन के बारे में उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि वुमन जानबूझ के फॉल्स कंप्लेंट्स करती हैं, और यह भी पाया गया कि पुलिस स्टेशन में किसी मेंटली डिस्टर्ब पर्सन को पीटा जा रहा था। उसने, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसने कुछ कुछ बोल दिया, पुलिस वालों को लगा कि ये सच बोल रहा है, तो उसको बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा था। तो काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशंस अच्छी ना होने की वजह से, पर्सनल की शॉर्टेज की वजह से ये पाया गया कि लॉ इन्फोर्समेंट के मामले में पुलिस वालों की समझ बहुत ही कम थी, वो कैपेबल नहीं थे लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। तो ये सब हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए किस प्रकार से पुलिस स्टेशन में कमी होने की वजह से लॉलेसनेस समाज में आती है, यानी अराजकता समाज में आती है। अब हम दूसरा टाइप डिस्कस करते हैं, मतलब दूसरे कौन से तरीके से पुलिस स्टेशन समाज में अराजकता फैलाते हैं। दूसरा तरीका है करप्शन। बहुत ही ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है, आपको पता है, पुलिस स्टेशन में। और काफ़ी बार समाज के जो लोग हैं वो जाने से कतराते हैं पुलिस के पास, उनको लगता है पुलिस सिर्फ और सिर्फ सुनती है पैसे वालों की। काफ़ी बार आरोप लगते रहते हैं किस प्रकार से पुलिस के द्वारा जबरन हाईवेज पर वसूली की जाती है, बाइक से या फिर व्हीकल्स वालों से,
और काफी बार मोबाइल फोन छीन लिया जाता है और मोबाइल फोन तभी वापस दिया जाता है जब पैसे दिए जाते हैं पुलिस वालों को। एफआईआर जब होती है दर्ज तो दोनों साइड से पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं और बाद में रजाबंदी करवा लेते हैं। जैसे एक केस का एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा, एक अटेम्प्ट टू रेप केस था, पैसे लिए पुलिस वालों ने और समझौता करवा दिया, इग्नोर किया उस केस को। आगे राइटर के द्वारा बोला जाता है, एक पुलिस पर्सनल ने स्टडी में बताया कि शुरुआत में हम भी इस प्रकार से आए थे, कभी रिश्वत नहीं खाएंगे, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम ऐसा है कि प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा, प्रेशर आता है सीनियर से, प्रेशर आता है कोलीग से, प्रेशर आता है लोकल लीडर से, तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। यानी राइटर के द्वारा कहा जाता है कई पुलिस पर्सनल ऐसे हैं जो करप्शन से खुश नहीं हैं, उनको करप्शन मजबूरी में करना पड़ता है और वो अपने पाप धोने के लिए क्या करते हैं, काफ़ी बार ऐसी बॉडीज मिलती हैं जिनको कोई क्लेम नहीं करता, तो उन बॉडीज का अपने पैसों से अंतिम संस्कार करवा के पुलिस पर्सनल अपने पाप धोने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो सिस्टमेटिक करप्शन है वो समाज में करप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि इंडिविजुअल करप्शन। मतलब एक पर्सन अगर करप्शन करना छोड़ दे तो करप्शन बंद नहीं होगा, पूरा सिस्टम में करप्शन है, सिस्टम में करप्शन को दूर करना होगा, तभी करप्शन को एड्रेस किया जा सकता है। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा कहा जाता है, एक्चुअल में हम हैबिचुअल हो गए हैं इन सब चीज़ों के, इसीलिए हम आवाज़ नहीं उठाते, कोई मूवमेंट नहीं चलती पुलिस की इस प्रकार की फंक्शनिंग के अगेंस्ट, और हमारी एपैथी की वजह से, यानी हमारी उदासीनता की वजह से ही कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है और कुछ नहीं होता। जैसे यूपी के बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, जब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने में सक्षम है ही नहीं, हमें पता है, तो बाद में क्या पछताना। तो ये पूरा आर्टिकल है पुलिस की फंक्शनिंग के बारे में, काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे इस आर्टिकल में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। मेन रोल देखो पुलिस फोर्सेस का है क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना एंड हमारे देश में लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। आपको एग्जामिन करना है पुलिस की फंक्शनिंग को, कौन से इश्यूज प्रभावित कर रहे हैं आपको एग्जामिन करना है, और आपको ये भी बताना है कौन से रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।